बच्चों, आप अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन वस्तुओं का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। इन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए, इन पर चर्चा करने के लिए और इनका अध्ययन करने के लिए हम इनके समूह बनाते हैं। इन वस्तुओं का समूह बनाने के लिए उनमें समान गुण को देखा जाता है। उनके समान गुणों के आधार पर ही हम उनका समूह बना पाते हैं या समूहीकरण कर पाते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ वस्तुएं हैं, जैसे कि लकड़ी की ये स्केल, रबर की गेंद, प्लास्टिक की स्केल, कांच का टुकड़ा, लेंस, परख नली, छोटी सी ये सुई, पेन, लकड़ी का गुटका, प्लास्टिक का सामान, रस्सी, लकड़ी का ये बैट, समतल दर्पण और पुस्तक। इन वस्तुओं का समूह बनाने के लिए हमें इन वस्तुओं में उपस्थित किसी समान गुण को देखना होगा। इसके समूहीकरण के लिए हम एक सारणी का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ एक सारणी बना रखी है। देखिए, समूह का नाम और समूह में आने वाली वस्तुएं। हमें समूह का नाम देखने के लिए कोई एक विशिष्ट गुण या आधार लेना होगा, जिसके आधार पर हम इन वस्तुओं को वर्गीकृत कर पाए। जैसे कि पहला हम ले लेते हैं लकड़ी की बनी वस्तुएं। लकड़ी की बनी वस्तुओं में लकड़ी की ये स्केल है हमारे पास, लकड़ी का गुटका और लकड़ी का ये बैट, साथ ही साथ हमारे पास ये पुस्तक भी है। बच्चों, ये पुस्तक भी लकड़ी की ही बनी हुई है। तो आइए इसकी हम सारणी में प्रविष्टि कर लें। हमारे पास समूह का हमारा नाम है लकड़ी की बनी वस्तुएं। सबसे पहले हमने लिया था लकड़ी की स्केल, उसके बाद लकड़ी का गुटका, पुस्तक और लकड़ी का बैट। तो चलिए बच्चों, अब हम इसी प्रकार ये वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हुई है उसको आधार लेकर यदि हम आगे बढ़े तो दूसरा समूह हम ले सकते हैं, कांच की बनी वस्तुएं। कांच की बनी वस्तुओं में हमारे पास है कांच का टुकड़ा, लेंस, परख नली, तो और ये साथ ही साथ हमारे पास है समतल दर्पण, जिनका हम वर्गीकरण कर चुके हैं। हम इन्हें इस तरफ रखते जा रहे हैं, तो हमारे पास दूसरा समूह जो है वह है कांच की बनी वस्तुएं। इसे भी हम प्रविष्टि में ले लें अपनी। कांच का एक टुकड़ा, लेंस, समतल दर्पण एवं परख नली। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए यदि हम एक और समूह का निर्धारण करना चाहते हैं तो वो हो सकता है प्लास्टिक की बनी वस्तुएं। प्लास्टिक की बनी वस्तुओं में प्लास्टिक की स्केल हमारे पास है, प्लास्टिक का सामान और प्लास्टिक की ये पेन। तीसरा समूह है हमारा प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, प्लास्टिक का स्केल, प्लास्टिक से बना सामान एवं पेन। अब देखें बच्चे, हमारे पास ये तीन सामान, ये जो तीन वस्तुएं हैं, ये रह गई हैं, जो कि हमारे द्वारा बनाए हुए किसी भी समूह में शामिल नहीं की जा सकी हैं। इन वस्तुओं में हमें कोई भी समान गुण दिखाई नहीं दे रहा है, तो इनके लिए हम किस प्रकार के समूह का निर्माण कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो न कांच की बनी है, न लकड़ी की और न ही प्लास्टिक की, इस समूह में हम इन तीनों वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा अगला समूह का नाम होगा ऐसी वस्तुओं का समूह जो न प्लास्टिक की बनी है, न कांच की और न ही लकड़ी की। इसमें शामिल हो जाएंगी रबर की हमारी गेंद, रस्सी और सुई, लकड़ी की वस्तुएं, कांच की वस्तु, प्लास्टिक की वस्तुएं और ये अलग वस्तुएं। बच्चों, इन वस्तुओं का वर्गीकरण आप इनमें उपस्थित अन्य गुणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जैसे कि इनमें से प्रयोगशाला में उपयोग आने वाली वस्तुएं, परख नली, समतल दर्पण और ये लेंस। यदि हम कहें आपके द्वारा खेले जाने वाली वस्तुओं का उपयोग हम करें, किन का उपयोग करते हैं हम? बैट का और बॉल का। इस प्रकार
विभिन्न वस्तुओं में अलग अलग गुणों के आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। वस्तुओं की अवस्था के आधार पर, जैसे कि गैस अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था। वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। वस्तुओं का जिनसे उनका निर्माण हुआ है उसके आधार पर आप उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने किया। तो इस प्रकार वर्गीकरण के लिए वस्तुओं के अलग अलग गुणों का आधार लिया जाता है।